मिल गया, नल मिल गया, फॉल्स मिल गया, ठीक है। ये किसका एसोसिएशन है? यूजर और कार्ट का। रेल्स, टीवी, माइक्रेश। पार्ट प्रिंट करोगे? यूजर आईडी मिल रही है। Yes. अब जो एसोसिएशन लगाओगे उस तरीके से वर्क करेगा। सपोज यूजर डॉट कॉल करूंगा, कितने यूजर्स मिल रहे हैं? 3 यूजर्स मिल रहे हैं, ठीक है। यूजर डॉट सेकंड करते हैं, ये मिल गया। डॉट स्टार्ट करूंगा, अभी कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं आएगा, नो मेथड एरर आएगी, अभी एसोसिएशन नहीं बना है, ठीक है। यूजर का कार्ड्स के साथ क्या एसोसिएशन बनेगा? हैज मैनी कार्ड्स, ये एसोसिएशन बना। कार्ड्स की फाइल खोलेंगे, सर स्क्रीन स्टक हो गई है सर, आपकी स्क्रीन स्टक हो रही है बार बार। ओके धीरे धीरे करता हूँ। बिलोंग टू यूजर है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है ज्यादा, ठीक है। तो कार्ट मैंने क्रिएट कर लिया है, यूजर से उसका रेफरेंस दे दिया है फॉरेन की के थ्रू, ठीक है। एसोसिएशन दे रहा हूँ, यूजर डॉट सेकेंड डॉट कार्ड कर रहा हूँ, अभी नो मेथड आ रहा है क्योंकि मेथड नहीं बनी हुई है। बिलोंग टू यूजर है, ठीक है। अब मैंने कार्ड्स में डिफरेंस डाला था तो ऑटोमेटिकली बिलोंग टू यूजर हो गया था। कमांड क्या थी मेरी? ये मेरी कमांड थी, रेल्स जनरेट मॉडल कार्ड यूजर रेफरेंस। इसको रिफर कर रहा है, ये यूजर को रिफर कर रहा है, ठीक है। रेल्स भी माइग्रेट चलाया, रेफरेंस बन गया। एसोसिएशन बनाना है यूजर और कार्ड्स का, तो यूजर हैज मैनी कार्ड्स कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे रेल्स कंसोल में जाओगे, यूजर डॉट वही कमांड चलाएंगे, यूजर डॉट सेकंड डॉट कार्ड्स, एरे मिल गया एक एम्प्टी, मेथड बन चुकी है मेरी एसोसिएशन से। यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। ओके देन हमें क्या चाहिए इसके बाद बताओ? कार्ड बन गया, यूजर से रेफरेंस बन गया, अब हमें क्या चाहिए? कौन सा मॉडल चाहिए? कार्ट आइटम चाहिए। कार्ट आइटम चाहिए, तो अभी कार्ट आइटम है क्या? अभी नहीं है, ठीक है। तो क्या एसोसिएशन बनेगा हमारा कार्ट आइटम से? कार्ट हैज मैनी आइटम्स, एसोसिएशन बताओ क्या बनेगा? Has many associations. Has many associations बनेगा product के बिहाफ में और वो cart के बिहाफ में बनेगा सर। दोनों का reference लेंगे हम, product का भी और cart का भी लेंगे। Okay, so, product दोनों की का foreign reference रहेगा? दोनों की foreign की इस पे होगी सर, cart item। सब cart item belongs to user भी होगा, cart item belongs to cart भी होगा।
कार्ट आइटम क्या क्या फील्ड्स रहेगी, प्राइस रहेगा फ्लोट में, ठीक है, और क्या फील्ड रहेगी, प्राइस फ्लोट में आया, देन उसके बाद क्या फील्ड रहेगी, उसके बाद की वीडियो देखी थी, स्टक होने के बाद की वीडियोस है, अवेलेबल है आपके पास? यस सर, उसके बाद की वीडियो तो है बट देखा नहीं फिर उसके बाद से। उसके बाद से देखे ही नहीं, तो यस देखते तो आपको समझ में आ जाती है चीजें कि कैसा एसोसिएशन बना हुआ है। सिर्फ वो 20 वीडियो, 20 मिनट्स की वीडियो स्टक हुई है, 20 to 25। प्राइस फ्लोट क्वांटिटी इंटीजर कार्ट रेफरेंसेस। सर, एक मिनट, वन मिनट सर, ये जो कार्ट आइटम है अपन ने स्मॉल लेटर में लिख दिया, हाँ कैमल केस होना चाहिए सर। हाँ देखते हैं उसमें क्या बनी हुई है फाइल। कार्ट आइटम्स ऐसी बनी है, अंडरस्कोर मत लगाना, तो अब ये इसको एक सिंगल वर्ड की तरह ट्रीट करेगी, ठीक है, कैमल केस नहीं है मतलब सिंगल वर्ड है। कैमल केस हम क्यों लगाते हैं, जब हमको दो वर्ड्स के रूप में डिफरेंशिएट करना रहता है, कार्ट और आइटम, ठीक है, बट अब ये सिंगल वर्ड है। फिजिकल कुछ करने के लिए बोला था इसको, रील्स टीवी माइग्रेट, कार्ट आइटम डॉट न्यू, ठीक है, कार्ट आईडी मिल गई। अब मैं करूंगा कार्ट डॉट फर्स्ट, अभी क्रिएटेड नहीं है, ठीक है, तो एक क्रिएट कर लेते हैं, यूजर डॉट फर्स्ट डॉट कार्ट, वो जो नमकीन है ना वाली जो कल लेके आए थे, कार्ट वो बनाना डॉट क्रिएट, नंबर आ गया तो नंबर कार्ड, अब कार्ट आइटम्स के साथ कुछ रिलेशन बनाया क्या हमने, यहाँ पे हैश मैनी का रिलेशन बनाएंगे, as many cart items belongs to cart, आगे आ रहे मेरे पास कार्ट आइटम्स के बिहाफ पे। अब यहाँ से मैं कार्ट आइटम्स ऐड कर सकता हूँ, बट कैसे, प्रोडक्ट का रेफरेंस लेके,
तो अगर मुझे प्रोडक्ट का रेफरेंस देना है क्या करूंगा मैं, क्या कमांड लिखूंगा माइग्रेशन जनरेट करने की, बताओ। ऐड यूजर टू और सर किस पे करना है सर, कार्ट पे। हाँ ऐड कार्ट सर एक बार बता दीजिए किस पे क्या करना है, प्रोडक्ट पे करना है, ऐड प्रोडक्ट टू। कार्ट आइटम रेफरेंसेस जिस भी चीज का मैं रेफरेंस देना सर। एड रेफरेंस किस में करना है, कार्ट आइटम्स में, किसका प्रोडक्ट का, नल फॉल्स वारंटी ट्रू। सब माइग्रेट करेंगे एरर देगा, विल सी नहीं कार्ट आइटम प्रोडक्ट आईडी आके यहाँ पे ये। तो अब क्या बनाना है, एसोसिएशन बनाना है। सर इसमें यूजर का तो कोई रोल नहीं ना अभी, यूजर का नहीं, यूजर का कार्ड से है ना। ओके सर, यूजर का कार्ड से, कार्ड का कार्ड आइटम से। ओके अब कार्ड करोगे ये रहा, कार्ड डॉट ऑल करोगे ये रहा, ठीक है। किसके भी आप पे किया था क्रिएट, यूजर डॉट फर्स्ट डॉट कार्ट आइटम क्रिएट करता है। ये मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब कार्ट आइटम्स किया है मैंने ये, यूजर डॉट फर्स्ट की आईडी क्या है, दिस, ठीक है। कार्ट आइटम डॉट क्रिएट क्वांटिटी वन रखते हैं, प्राइस जो हम देंगे प्रोडक्ट की वो रख देते हैं। कार्ट आईडी, कार्ट आईडी में क्या है, वन रखते हैं, कॉमा प्रोडक्ट इन्वेस्टर आईडी। क्रिएट हो गया, अब ये कमांड चलाते हैं। मिल गया मुझे कार्ट, कार्ट आइटम्स मिल गए, डॉट फर्स्ट
प्रोडक्ट भी मिल गया। मिल रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट जो मैंने ऐड किया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कैसे कार्ट और कार्ट आइटम को प्रोडक्ट का एसोसिएशन हुआ है। इसके बाद की वीडियो अवेलेबल है तो वहां से चेक कर लेना। कहा से सर? अच्छा वीडियो में ना सर। ठीक है, अब कर लोगे? ओके, तो अब क्या बचा है हमारे पास? ऑर्डर का बचा था तो एक और बोलता हूँ। कल हमारे पास, कल कहाँ तक हो गया था? ऑर्डर तक हो गया था। हमें ऑर्डर डॉट न्यू क्रिएट करना है। ओके, इसका सर्वर बंद करते हैं। स्क्रीन विजिबल है अभी? नो सर। नो सर। अब विजिबल है? यस सर, यस सर। ओके, सो कल वाले ऐप में आते हैं, रेड सर्वर। ओके, ऑर्डर्स तक हो गया था हमारा। अब हमें ऑर्डर क्रिएट करना है। ये मेरे सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। ऐड टू कार्ट,
सारे कार्ड्स आ गए मेरे, ठीक है। एरर यहाँ पे आ रही है, रेयर कार्ड्स डॉट कार्ड आइटम्स। सर स्क्रीन बहुत डिस्टर्ब हो रही है। ओके, प्लेस ऑर्डर में कहाँ तक की लिंक है? कार्ट आईडी तक की। ऑर्डर के अंदर न्यू मेथड के अंदर कार्ट आईडी, तो ऑर्डर्स कंट्रोलर के अंदर जाना है। यहाँ पे डिबगर लगा है, हमें क्या मिल रहा है वो चेक करते हैं। पैटर्न्स करोगे, कार्ट की आईडी मिल रही है, कार्ड डॉट आई कार्ड अंडरस्कोर आईडी में। कार्ड की आईडी कैसे मिल रही है? क्योंकि हमने कार्ड की आईडी पास कर रखी है कार्ड्स के व्यू के अंदर। व्यू के अंदर जाओगे, कस्टमर कार्ड्स इंडेक्स, ये पाथ दे रखा है प्लेस ऑर्डर का, न्यू कस्टमर ऑर्डर पाथ, कार्ड आईडी कार्ट आइटम्स डॉट फर्स्ट डॉट कार्ट आई डी। यहाँ से आई डी मैंने पास कर दिया। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? कार्ट की आई डी मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है? एक फॉर्म बनाना है ऑर्डर्स के लिए। सो हम क्या करते हैं, फॉर्म ले लेते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर है क्या, सप्लायर के अंदर हमने जो फॉर्म बनाया था वो ले लेते हैं। न्यू ओके, देन ये फॉर्म हमें कहाँ चाहिए? ऑर्डर्स के अंदर। न्यू फाइल करते हैं कस्टमर के, न्यू डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर पी, फॉर्म को पेस्ट करते हैं। एट द रेट प्रोडक्ट है, इस जगह पे क्या करेंगे? एट द रेट ऑर्डर, ऑर्डर डॉट न्यू, एट द रेट कार्ट, कार्ड डॉट फाइंड, पैरम्स। क्या मिल रहा था मुझे? कार्ट आईडी मिलती थी। अगर मैं यहाँ पे कार्ड डॉट फाइंड करूं, पैरम्स कार्ड अंडरस्कोर आईडी,
यहाँ पे मुझे कार्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, किस फोल्डर के अंदर है हमारा, कस्टमर फोल्डर के अंदर है। यहाँ पे हमारा जो कंट्रोलर है वो किसके अंदर है, कस्टमर के अंदर है। तो फोल्डर में क्या देंगे, कस्टमर देंगे हमारे फोल्डर का नाम प्लस हमारी मेथड का नाम कंट्रोलर एट द रेट ऑर्डर। ठीक है, अब क्या क्या फील्ड्स हैं वो देख लेते हैं। ऑर्डर डॉट न्यू नेम है, नेम है, ईमेल है, टोटल है, इमेज नहीं है, एड्रेस है, नंबर है। एड्रेस है, टोटल हम नहीं देंगे, टोटल हमारा कहाँ से आएगा, टोटल कहाँ से आएगा हमारा, सर टोटल तो कार्ट में बताएगा ना सर। ये रहा हमारा टोटल, इसको भी हम पास कर देंगे। जो हमारा इंडेक्स का फॉर्म है यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखेंगे टोटल। सर आपकी स्क्रीन पे फिर स्टक हो, यहाँ पे पास करेंगे हम, यहाँ पे हम टोटल दिखा रहे हैं। तो टोटल पे जो टोटल के जो नीचे बटन बनी हुई है प्लेस होल्डर के, वहां पे हम प्राइस भी पास कर देंगे ये वाला। अनडिफाइंड मेथड क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोलन नहीं लगा है। आ गया क्रिएट ऑर्डर का फॉर्म। ठीक है, अब फिर से कार्ट पे जाते हैं और स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हमें मिलेगी। कार्ट पे गए प्लेस ऑर्डर में,
नीचे देखो स्क्रीन के कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या वैल्यूज पास हो रही है यहाँ पे। ये तो मेरा प्रोडक्ट है नोकिया की इमेज के जस्ट नीचे देखो क्या क्या वैल्यूज पास हो रही है। सब क्वांटिटी है और प्राइस ये सर कार्ड की आईडी है और टोटल प्राइस है ठीक है दोनों पास हो रही है। कार्ड की आईडी 2 है टोटल प्राइस वही पास हो रहा है जो यहाँ पे शो हो रहा है। सो हमें ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। अब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो देखते हैं दो परम्स में हमें क्या मिलता है। तो परम्स में हमें कार्ड आईडी मिल गई टोटल प्राइस मिल गया।